बताइए उस बारे में, और जो डिप्रेशन में जाते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. यू नो व्हेन दे केम विद द प्रपोजल मनी पद्मा, और उन्होंने मुझे पूरा ब्रीफ किया सब चीज के लिए. सो आई वॉज लिसनिंग, वो बोल रहे थे उनको, बट बिकॉज आपको पता है आई ऑलवेज एनकरेज वुमेन एम्पावरमेंट एंड एंटी डिप्रेशन पीपल, इट्स लाइक अ सोशल कॉज. जो उनका रूट कॉज, द वे दे टोल्ड मी 2-3 पॉइंट्स वॉज सो हार्ट टचिंग, कि मनी पद्मा कोई एनजीओ नहीं है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे. रूट कॉज में जाके वो देखेंगे कि किसी चीज़ की प्रॉब्लम क्या है. आज आप साइकाट्रिस्ट के पास जाते हो, आपको करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, साइकाट्रिस्ट के पास जाते हो, इलाज करने जाते हो, बीमार होते हो इलाज करने जाते हो. अगर हम बीमारी को ही हटा दें जड़ से तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी. सो दैट इज़ वॉट देयर पर्पज, एंड उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रोग्राम्स बना रहे हैं, या लाइक यू नो फॉर द वुमन एम्पावरमेंट एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर डूइंग इट. सो इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग, आई लव द कॉन्सेप्ट, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर अ सोशल कॉज. ऑब्वियसली बींग एक्ट्रेस बहुत फर्क पड़ता है, जब कोई भी एक्टर इस चीज़ को बोलता है तो लोग ज़्यादा सुनते हैं. सो इट्स लाइक आई एम अ वॉइस ऑफ मनी पद्मा, एंड द होमवर्क दे हैव डन, द एवरीथिंग, कितने सालों से जो उन्होंने किया, इनकी बैक स्टोरी, एवरीबडी हैज दैट बैक स्टोरी एंड वाई दे आर डूइंग इट, इट वॉज वेरी इंप्रेसिव, एंड दैट्स द रीज़न मैं आज यहाँ हूँ, होस्ट कर रही हूँ पूरा इवेंट. क्योंकि एक ही है कि आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू मनी पद्मा एंड आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू सोसाइटी. एंड ये जो डिप्रेशन होता है, लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू डिप्रेशन, आई ऑल्सो गॉन थ्रू डिप्रेशन, इन द सेंस हम काम करते हैं, हम घर में नहीं रहते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, इमोशनली बहुत ड्रेनड आउट हो जाते हैं. एंड डिप्रेशन डजेंट मीन कुछ होना चाहिए, डिप्रेशन इज जस्ट समथिंग डजेंट हैपनिंग एंड यू गो टू दैट सेल्फ जोन. सो वाई टू गो इन सेल्फ जोन का, वाई कैन वी सेल्फ एम्पावरमेंट आर सेल्फ. सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट अबाउट मनी पद्मा, एंड दैट इज वाई आई एम हियर. Am I right if I said anything? Deepshikha ji, you have really been like a real voice, and as you really understood in the first day itself the concept. See, we have to understand a woman understanding women problem. And when we spoke to you, it was very clear that you have understood everything that we were, you know, wanting to be given to everybody. So, Deepshikha ji, it when you spoke these words, I believe everybody in Mani Padma team could relate ki she exactly is on the point. Yeah, because she was exactly. So it's like, you know, when they came, I was really very tired because I'm doing show in Jaipur and I was going to and fro to Jaipur, and he was thinking I'm not listening. But for me, it was 10 minutes mein samajh gayi thi ki kya hai, and I'm very grateful I'm part of this. No, she could, matlab, I mean, she was very quick to understand. That's very less people can understand such a deep subject so quickly. And we discussed, me, Daryl, other people, we said ki she was in a 4 hours meeting, went in 1 hour she was through with everything, then she 1 hour we were talking about other things. Yeah. So this is how it happens. So I can just say thank you very much for making me part of this entire team of Mani Padma, and of course Amit who came with the proposal, and whatever I can contribute, I'm here to contribute, I'm here to support you all people. And I purposely in the society, aap depression ki baat karte ho, औरतों के लिए बहुत ईजी हो जाता है डिप्रेशन जाना, बिकॉज आज हम 21वीं सदी में बात तो करते हैं कि हम कंधे से कंधा मिला के, हम अभी भी बात ही कर रहे हैं, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, स्टिल वी आर नॉट एम्पावर्ड. बोलने के लिए बहुत ईजी है, द वुमेन्स आर लाइक दिस, बट जहाँ कहाँ लैक होता है, जहाँ उनका इमोशनल नीड होती है, वो कोई नहीं समझता, ना कोई फैमिली समझती है, ना हस्बैंड समझते हैं, ना औरत भी नहीं समझती है, बिकॉज देर इज अगर आप उन्हें नर्चर नहीं करेंगे तो पूरे घर को कैसे संभालेगी. और यही हम इंडियन सोसाइटी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम औरतों के इमोशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हमेशा बोलते अरे तू ठीक है, तू स्ट्रांग है, तू कर लेगी. इट्स नॉट राइट, यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस. वी गिव इम्पोर्टेंस टू आर डॉटर, वी नेवर गिव इम्पोर्टेंस टू आर मदर, वी ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू आउटसाइड पीपल बट नॉट घर. घर से शहर बनता है, शहर से सब कुछ बनता है. सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द फैमिली पीपल दैट लव ईच अदर, सपोर्ट स्पेशली वुमेन, इट्स अ थैंकलेस जॉब जो बेचारी घर संभालती है. अगर वो घर नहीं संभालती तो आप बाहर नहीं संभाल पाते. सो दैट माई हार्ट गोज फॉर एवरी वन, आई कैन वॉइस इट, दैट्स वाई माई थिंग इज कि वो मुँह फटे वो बोल देती है, बट आई एम हैप्पी लाइक दिस. एवरीबडी कैन नॉट टॉक इन इंडिया लाइक दिस, सो प्लीज अंडरस्टैंड देयर नीड. सो ये डिप्रेशन, ये रूट कॉज ही खत्म हो जाएगा. So that is what my request to everyone. See, the celebrity who can take up so easily the root solutions, root causes. And she is through with the root cause of Mani Padma Foundation.
Mani Padma Foundation says it is if there is a problem and if there is a root for it, there is also a solution and there is a root for it. थैंक यू सर, थैंक यू। गुजर रहे हैं अभी भी, तो सर उनके लिए क्या इनिशिएटिव है और मणिपद्मा के साथ कैसे एसोसिएशन? देखिए, मणिपद्मा ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली फॉर ह्यूमन एंड वुमन बोथ। देखिए, आज वुमन को आप देखिए, सी फ्रॉम योर मदर साइड, कि हर एक वुमन है ना, उनका एक अपना अपना क्वालिटी है, यू नो, हर एक हिडन क्वालिटी है। किसी का माँ अपना खाना बनाने में अच्छा है, किसी का माँ हर चीज़ में अच्छा है। You see now generation also. I think so. Human, basically we are all human beings. We are trying to do good for the society. But आज की डेट में देखिए, मैं आई एम पार्ट ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, मैं मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ और मेरा अपना एक क्रिश स्पोर्ट्स फाउंडेशन है जो आदिवासी बच्चे लोगों के लिए काम करता है, फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन। हम उसमें से क्या करते हैं कि आदिवासी बच्चे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं फॉर द स्पोर्ट्स। मैं उसमें अभी देख रहा हूँ कि मुझे लड़कियाँ काफ़ी पोटेंशियल मिलती है। अभी देखो, अभी मेरी कॉम देखो, शी इज अ ट्राइबल गर्ल, मेरी कॉम, अभी उनका नाम देखो आप, वर्ल्ड वाइड नाम है उन लोगों का। सो ऐसा हर एक वो जो वुमन है उनमें कुछ ना कुछ हिडन है, तो हम ये सोचना चाहिए इनको कैसा डेवलपमेंट इनको किया जा सकता है इन फ्यूचर के लिए। सो मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं हमेशा स्पोर्ट्स का सोचता हूँ कि इनको किस तरह फैसिलिटी देना चाहिए। तो मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं ये साल 25-25 बच्चों को, स्पेशली उसमें मोस्ट ऑफ पीपल आर गर्ल्स, मैं ज़्यादा लड़कियों को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र के, वहाँ से ला के उन लोग को यहाँ पे फैसिलिटी उनको ये दे रहा हूँ, एकोमोडेशन, फूड एंड द एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग उनको साथ में करके, अगर उसमें से चार बच्चे भी इंडिया को रिप्रेजेंट करें ना, लड़कियाँ और बॉय वट एवर, आई एम थिंकिंग अबाउट गर्ल्स। सो मुझे एक बड़ा गर्व होएगा और कंट्री के लिए काफ़ी गर्व की बात है। के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो दिया गया है और हम लोग सब इससे जुड़े हुए हैं। मैं आभारी हूँ उन सबका कि इन्होंने मुझे इस एसोसिएशन के साथ जोड़ा है और मैं चाहता हूँ इसका बेनिफिट सारे एक्टर्स, सारे फिल्म फ्रेटर्निटी उठाए और यहाँ पर आएँ और जो भी उनका मन का, जो भी उनका भाव है, वो यहाँ व्यक्त करें और उसका सोल्यूशन मिले उनको यहाँ पर। क्योंकि अंधेरे में क्या, HMI के पीछे बहुत अंधेरा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइट्स के पीछे बहुत अंधेरा होता है, तो यहाँ पर कुछ उजाला मिले तो लोग आएंगे ज़रूर। सर, जो ट्रूथ है ना, उसका पावर इतना बड़ा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आप 3 महीने बाद आप ये देखेंगे कुछ और मिरेकल हो रहे हैं, 6 महीने बाद और मिरेकल्स देखेंगे। तो जो मणिपद्मा की डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन इतनी ह्यूमन और इतनी क्लियर कट डिज़ाइन है कि यू कांट, यू नो, देर इज़ नो एस्केप टू यू, देर इज़ नो एस्केप टू द मणिपद्मा सोल्यूशन, देर इज़ द ओनली वे। सो आई कैन गारंटी, वेरी सून वील सी इवन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द वेरियस कंट्रीज एक्सेप्टिंग मणिपद्मा प्लेटफॉर्म, country to country support for Manipadma platform, and I mean everybody from world over, you can, we will be seeing that probabilities has just begun. Today is the day that Manipadma expresses to the world after years and years of hidden and concealed sacred work. So it does not mean it is launched today, it was launched way back, and there is a huge research and development which has been always on the platform. So you know, these faces, when we meet them today, it is like a union of long back, association of long time back. I think everybody, including you people from media, know that you have a problems in your families. Everybody has problems in the family, but there has to be a solution to, you know, overall solution as a human being, collective solution for everybody. Sir, aap kya kehna chahenge? One thing I would like to say, that money, all of us know what is coin, all of us know what is coin, dollar. सो जैसा 1 रुपए का सिक्का है, उसको 2 बाजू है, 1 और 2। सो ऑन फर्स्ट पाथ वी विल, मणिपद्मा विल बी वर्किंग एज इंक्रीजिंग द ह्यूमन कॉन्शियसनेस लेवल, फर्स्ट सेल्फ कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन हीलिंग। ऑन द अदर साइड वी विल बी वर्किंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच हैव बीन लेड डाउन अंडर द यूनाइटेड नेशन एंड द टारगेट इज 2030। The target is very less, means very less years are remaining. So we are going to work every specific goal aligned with the United Nations Sustainable Development Goal. 17 goals have been laid down under that, and we are working. Already we have started the initiation. And we'll be working. So we have already associated with United Nations on large scale. He and has myself been working with multiple countries, 60 to 70 countries. He has been
you know, delegating his subjects of sustainable development the way they are. And today also we have a speaking section from him on sustainable development. Okay. Thank you. इंडस्ट्री का पार्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी गए, क्या कहना चाहेंगे सर उस बारे में, कितना अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है? मेरे ख्याल से तो ये जो डिप्रेशन है ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आज के समय की जो भौतिकता है उस भौतिकता में हम लोगों की जो आध्यात्मिकता की छटा थी वो जो है धूमिल हो गई है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि इसकी उन्नति के लिए इस विषय को ठीक से जो है ट्रीट करने के लिए जो कदम उठाया गया है मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। सर इसके अलावा अवेयरनेस लोगों में लाना बहुत जरूरी है, तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, मतलब अवेयरनेस लाने के लिए लोगों में, स्पेशली जब डिप्रेशन होता है तो क्या करना चाहिए, लोग मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं, तो सर अगर कुछ बताएं उस बारे में। देखिए हर समस्या जो है उसका हल जो है वो धर्म है, धर्म से सुख है और धर्म से दुख है। तो आदमी चाहे वो धर्म कोई भी हो लेकिन धर्म से जुड़े तो समस्याओं का हल जो है उसमें उसको ज़रूर जो है निकलेगा। सर आपने आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का, आपके लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कि कोई डिप्रेशन में गया हो, या फिर अगर कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, किसी का किस्सा अगर ऐसा कुछ हो? किसी के किस्से की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जो है डिप्रेशन में जा चुका हूँ और मैंने अपना साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी करवाया था, जी हाँ। लेकिन यह है कि ईश्वर की कृपा से मैं उससे बाहर आ गया और उसका जो कारण है, विशेष कारण जो है वो ये नहीं है कि मैंने इसको एक मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं उसको बीमारी के नाम से जो है उसको डील किया, मैंने आध्यात्मिकता को जो है मैं उससे जुड़ा और उपनिषदों को मैंने पढ़ा और उससे मुझे जो है बहुत शांति मिली। सर जैसे सर ने कहा कि वो भी मेंटल ट्रॉमा मेंटल डिप्रेशन में जा चुके हैं, तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा लोगों के लिए, जैसे सर ने कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आपको ये ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि सर कौन है, कीर्ति कुमार जी, और उनको ये ट्रॉमा आया। आप सोचिए कि ट्रॉमा किसी भी बड़े इंसान को किसी को भी आ सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि बड़े इंसान को इसकी आवश्यकता नहीं है, छोटे से बड़े सबको आवश्यकता है। समाधान जो इन्होंने सेकंड पॉइंट बोला, इन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे ट्रीटमेंट टैबलेट्स ने किया, इन्होंने क्या बोला, किसने किया, अध्यात्म ने किया। तो वो गौर करने की बात है कि जब विल पावर कहाँ से इनको इतने, ये जो इनके चेहरे पे आज आप देखिए जो चमक है इनके, मैं इतना प्लीज फील हुआ मैंने जब इनको रिसीव किया कि वो कहाँ से मालूम है, उनके आध्यात्मिक शक्ति से। मणिपद्मा आपको सुबह से मीडिया को आज बता रहा है कि हम ट्रीटमेंट को कॉज से नहीं, मतलब सॉल्यूशन हम बाहर से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम विल पावर से कर, अंदर से कर, जो इनको जो इन्होंने बताया, तो दिस इज द, हम बाहर से भी कर रहे हैं लेकिन अंदर हमारा मेन इंटेंट है, अंदर जहाँ से विल पावर कहाँ है, हमारे शरीर के अंदर है, वहाँ से ट्रीटमेंट। सर डू यू थिंक कि अगर सेलिब्रिटी किसी कॉज के बारे में बात करता है तो ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचती है, जैसे सर ने भी किस्सा शेयर किया, एक मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है लोगों के लिए? मैं ये सोचता ही नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो वर्ड है सेलिब्रिटी, ये सेलिब्रिटी आपको क्या लगता है कि ये लोग कोई चमकदार इंसान है, इनके सितारे भगवान ने यहाँ पे लगा के भेजे हैं? अगर इनके सितारे नहीं है ये क्यों सेलिब्रिटी हैं जानते हो? क्योंकि इन्होंने परफॉर्म किया है, लाइफ अचीव किया है, परफॉर्म किया, एग्जीक्यूट किया। अगर सेलिब्रिटी को हम लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ दिखने में ब्राइट है, तो उनकी लाइफ में अंदर झांक के देखिए कि क्या उनके लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, क्या पेन्स हैं, अंबानी जी के क्या पेन्स हैं, मोदी जी के क्या पेन्स हैं, आप IAS ऑफिसर के IPS के ऑफिसर के जाके लाइफ में देखिए, आपसे मुझसे ज़्यादा पेन्स में वो जीते होंगे। तो सेलिब्रिटी इज़ नॉट सेलिब्रिटी जस्ट बिकॉज ही इज लुक्स लाइक अ अचीव्ड पर्सन, दे हैव परफॉर्म्ड आउट इट, दे हैव सफर्ड आउट ऑफ इट एंड दे वॉन्ट टू गिव। मणिपद्मा इज इन टोटली अलाइनमेंट टू टेक पावर्स एंड टू बी विद सेलिब्रिटीज, बिजनेस पावर्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ओनली दीज पीपल कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं, इवॉल्व पीपल। गरीबी से समाधान नहीं निकाला जा सकता है, प्रॉस्पेरिटी से समाधान निकाला जा सकता है, प्रॉस्पेरिटी से चीज़ें अचीव हो सकती है। दिस इज व्हाट इज। सर लास्टली कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो ऑडियंस जो आपको देख रही है? हाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा
कि हमारे धर्मशास्त्रों का उपनिषदों का एक श्लोक है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मन ही मुक्ति का कारण है। तो अगर मन बंधन में पड़ सकता है तो मन मुक्त भी हो सकता है। आपके प्रयास की ज़रूरत है और मैं इसीलिए जो है भाई साहब के इस प्रयत्न को जो है मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। सौ 136 करोड़ शरीर है इस देश में, आत्मा जो है वो मणिपद में। सो जहाँ जहाँ तकलीफें हैं स्त्रियों को, उन चीज़ों की तरफ अगर किसी ने ध्यान आकर्षित किया है या सामूहिक स्तर पर जो लोग आगे बढ़े हैं, वो काम इस एनजीओ ने किया है, जिसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। कठिन है डगर, लेकिन अगर मेहनत करके चलेंगे तो अपनी मंजिल ज़रूर पाएंगे। और सिर्फ एक मंजिल पाने से कुछ होगा नहीं, मंजिल पर मंजिल पार करते रहना पड़ेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। ओके सर, क्या कहना चाहेंगे मणि पद्मा ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है डिप्रेशन में जो लोग जाते हैं उनके लिए, क्या कहेंगे सर इस कॉज के लिए? आई थिंक जो भी इनिशिएटिव जो इज टुवर्ड्स गिविंग एनी पीस, एनी काइंड ऑफ अ पीस टू एनीबडी, आई थिंक उसके अगेंस्ट तो कोई जा ही नहीं सकता, बिकॉज दैट्स वॉट इज नीडेड टू एवरी इंडिविजुअल इन दिस ऑन दिस प्लैनेट। एंड देयर आर सो मेनी इनिशिएटिव, मुझे जो सबसे बेस्ट इनका एक वो चीज़ लगा कि इफ वन सफर्स देन एवरीवन सफर्स, इफ एवरीवन सफर्स देन नोबडी इज हैप्पी। सो आई गेस दैट्स द क्रक्स ऑफ इट, एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइस दैट द सेट ऑफ पीपल एक्चुअली ट्राइंग टू डू दिस एंड गेट हैप्पीनेस अराउंड। I think depression is one of the most serious issues of today's generation. We need to be addressed, and the fact it's been the awareness has been created is at least 50% of the actual solution. And like once you create awareness that depression is also something that is not normal, and you have to seek help, is one of the best messages of this activity, I believe. पहले तो मैं मणि पद्मा इस ग्रुप को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एंड इट्स इस सोच के लिए ना, इस थॉट के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आप पैसे बनाने के लिए हजार चीज़ें सोच लेते हैं, पर जब आप पूरे ब्रह्मांड की अच्छाई के बारे में, मतलब पहली बार मैंने एक बात सुनी जो उन्होंने कहा 2500 साल का टारगेट, अब तक हम सुनते थे ना ACBC इतने साल पहले ये हुआ, तो एक अकेला संगठन जो सोच रहा है कि 2500 साल बाद हम ये देखेंगे कि इंसानियत जागेगी, ह्यूमैनिटी हम बार बार सुन रहे हैं, वो सुबह से बता रहे हैं। जिस तरह की अभी रैट रेस है, जिस तरह की अभी चूहा दौड़ चल रही है, हम सब सिर्फ अपने खाने पीने और सोने से आगे सोच नहीं रहे। एक आदमी है जो सोच रहा है कि सब दुनिया खुश रहे, ठीक है। व्हेन यू से डिप्रेशन, हमारे पास हजारों एग्जांपल है, इट्स नॉट अ फिल्म इंडस्ट्री और बाहर भी बहुत, कि आप 23-24 साल की उम्र में 4-5 करोड़ रुपए कमा के डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हो, तो इसका मतलब आपने महत्वाकांक्षाएं गलत पाल ली थी। लोग पूरे जीवन भर 4-5 करोड़ रुपए नहीं कमा पाते और वो खुशी खुशी जी रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मणि पद्मा जिस तरह की चीज़ों को उठा रहे हैं, अगर आई विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक कि वो ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में कर पाएँ, और आई डोंट नो हाउ दे विल वर्क, वो एक देखने वाली चीज़ होगी कि ये होगा कैसे, ठीक है। लेकिन जो गोल है, जो मोटिव है, वो बहुत कमाल है। और आप, मैंने कोई 3-4 घंटे लगातार सुना है सुबह से, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें, मैं काफ़ी पढ़ता हूँ मतलब, तो बहुत सी चीज़ें, कभी ऐसा होता नहीं कि मैंने कुछ ना सुना हो, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आप दोबारा सुन रहे हो, 3 बार सुन रहे हो, 5वीं बार सुन रहे हो, लेकिन यहाँ मैंने ना बहुत सी बातें अपने बारे में पहली बार सुनी, तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और जब ये लोग फुल फ्लैश वर्क करेंगे तो शायद चमत्कार हो, तो बस उसी चमत्कार के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर मी हैविंग हियर, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि
क्या फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, इससे बहुत सारे किस्से हमें सुनने मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में कि डिप्रेशन में जाने के बाद वो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, इवन मैंने सुना नहीं अभी तक किसी ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, इट्स रियली गुड। और हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, यू नो मैनी मैनी स्टार्स जो डिप्रेशन में गए हैं। सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं, काफ़ी जगहों पर भी डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, विच इज मतलब कोई ना कोई तो होना ही चाहिए ना टू अंडरस्टैंड एंड एक्चुअली लिसन टू देम। मेरे ख्याल से इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर दिस, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई किस्सा अगर आपके ज़हन में आता हो, अगर आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए, ऐसा कोई जो डिप्रेशन में गया हो? ऐसा बहुत क्लोज वंस में तो नहीं हुआ है, इवन हम लोगों ने पर्सनली ऐसा कभी कभी फेस किया है, इवन हमने भी किया, मैंने भी किया कि कुछ हुआ इस लेवल पर हुआ कि लग रहा था कि कल से हमारी लाइफ सॉर्ट है और समहाउ क्या होता है कि हुआ नहीं, और ऐसे ऐसे दिन चले जाते हैं कि एक एक हफ्ते तक हम लोग घर में ही रहते हैं, जाते नहीं है, कि वो इतना हर्ट करती है वो चीज़। सो ये होता रहता है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट्स हैपनिंग। डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके लिए, तो कुछ कहना चाहेंगे सर फिल्म इंडस्ट्री का एज अ हिस्सा है आप, बहुत सारे किस्से ऐसे सुनने मिलते हैं, थोड़ा सा अगर आप बताएं उस बारे में, क्योंकि किसी ने पहले ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया है, मणि पद्मा ने पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया है। I would say कि this is need of an hour right now, this depression is it's pervading all over and we have been dealing with it. My good friend Ranjit Galiaram is here and he would also you know vouch for things that we keep doing and we keep talking about because this depression thing had happened with one of our friends. So I really really congratulate Pali Valsa for this and Mani Padma, that it's a great initiative and I hope and I think you know they will prove their worth and it's like you know doing something good for the society, so it's a very good cause. Sir, also your show is doing well, bahut sare award bhi jeet raha hai show, kitna proud feel hota hai? I feel very proud that you know every dog has its own day, it's like you know hamesha din to phirte hain, main bahut saalon se laga hua tha and I've been everybody knows that I've been working like you know very hard, so like kasoti zindagi ki it changed the whole thing and I was very happy when I came to know ki this performance of Naveen Babu is considered in Indian television history one of the top 10 performances. So Star Hong Kong, when they informed me about their research and their survey from independent agencies, so I was very happy and I am really thankful to God. Sir, koi pressure tha us cheez ka, matlab pehle uska season aa chuka tha aur abhi second season aa raha tha, it was a great pressure actually, you know that first time there is a role jahan pe ek negative character gaane gaata hai, dance karta hai, fighting karta hai, rash driving karta hai, sher o shayari karta hai, to aisa aapko television pe dekhne ko milta nahi hai, to first time mujhe aisa laga ki it was a great challenge and Ekta Kapoor ne blindly support karke जो मुझे कैरेक्टर दिया, आई एम थैंकफुल टू हर ऑल्सो एंड थैंकफुली एंड आई डोंट नो दैट हाउ डिड आई पुल इट ऑफ, बट द नाउ इट इज़ ए हिस्ट्री, सो आई वुड से दैट गॉड वॉज वेरी काइंड टू मी एंड आई कुड पुल इट ऑफ। ओके, कमिंग बैक टू मणि पद्मा, कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस जो आपको देख रही है? आई वुड लाइक टू से दैट यू नो नॉट ओनली मी बट lots of other industry guys, people like me, they would like to appreciate and you know incorporate their inputs, like you know in such a thing that you know so Mani Padma could you know come in a very big way, because now they have started and I hope that they will really really get into big way and the cause they have chosen is great and I am really really touched with this cause. Thank you. I wholly support this women empowerment. It is very very important कि हम एक lady को उसके social and economic growth में हम उसे promote करें,
हम कहते हैं कि भारत माता, भारत माता का मतलब क्या होता है? इट्स मदर इंडिया. दैट मीन्स मदर ऑफ एवरी इंडियन शुड बी सेफ एंड केयर्ड अबाउट. सो आई थिंक ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो स्टेप इन्होंने लिया है, इट इज़ वेरी वेरी नाइस. एंड आई थिंक लॉट ऑफ लेडीज यू नो जो सोशल वायलेंस, हैरेसमेंट एंड अ लॉट ऑफ अब्यूज एंड इलिटरेसी का जो ट्रेंड है आज भी रूरल एरियाज में, आई थिंक आफ्टर दिस वुमेन एम्पावरमेंट इज कमिंग अप, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ वुमेन. थैंक यू.